वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक साथ हम दो पेटीकोट की कटिंग कैसे करते हैं, जो बिल्कुल बिगनर है, जो उतना ही टाइम में दो पेटीकोट एक साथ कटिंग कर लेंगे। दो हमने लिया है फैब्रिक, तो दोनों को हम एक साथ कम टाइम में कटिंग कर लेंगे। अगर अलग अलग कटिंग करेंगे तो आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगी। अगर एक साइज़ की बनाना है तो आप एक बार में ही कटिंग करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों फैब्रिक हमने दो दो मीटर का लिया हुआ है, क्योंकि हमें एक साइज़ का ही बनाना है। चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हमें दोनों फैब्रिक को ओपन करना होगा, खोलना होगा। इस तरीके से दोनों को बिल्कुल बराबर से रख लेना होगा, एक दूसरे पे दोनों बराबर होना चाहिए। एक साइज की अगर कटिंग करना है तो कपड़ा भी सेम बराबर लेना है और कटिंग भी सेम उसी तरीके से करना है। तो सबसे मेन स्टेप है, इसको हमें बराबर से रखना है, दोनों फैब्रिक को एक साथ। ये अब दोनों एक साथ हमने रख लिया। अब इससे हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। तो इस तरीके से पहले हम बराबर रख लेंगे यहाँ इस तरीके से। देखिए पहले हम बेल्ट की कटिंग करते हैं, तो यहाँ से पहले बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बेल्ट की साइज़ देख लीजिएगा, किस साइज़ की बेल्ट रखना चाहते हो। तो मुझे 5 इंच चाहिए कंप्लीट, तो हम यहाँ से 6 इंच लेंगे। तो यहाँ से 6 इंच पे मार्क लगाते हैं, फिर यहाँ बीच में डॉट डॉट करके, फिर यहाँ 6 इंच पे। अब इसको क्या करेंगे, टेप को ही इस तरीके से रख लेंगे, ये देखिए, और मार्किंग बराबर करते हुए लगा देंगे। तो सबसे मेन स्टेप आप बेल्ट निकालें। तो हम पहले बेल्ट निकालेंगे। देखिए एक नीचे है और एक ऊपर है, तो एक साथ हम इसी तरह कटिंग करेंगे। तो बेल्ट भी पहले साथ निकाल लेंगे। बेल्ट में अगर ज्वाइंट करना है तो आप यहाँ जो डोरी निकालेंगे उससे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों की बेल्ट निकल गई। अब कटिंग करेंगे तो उससे पहले हमें डोरी निकालनी है यहाँ। तो हम 1 से 1.5 इंच की यहाँ से डोरी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच चौड़ी डोरी निकाल लेंगे यहाँ इस तरीके से, पूरा लंबाई से बराबर से डोरी निकालेंगे। नारा अगर कमर आपको थोड़ा बढ़ाना है तो इसी डोरी से आप ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए तो डोरी निकालते हैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स इसके स्टिचिंग की वीडियो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए तो यहाँ हमने डोरी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, कटिंग करना है इसको। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको कर लेंगे डबल। यहाँ देखिए दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने डबल कर लिया इस तरीके से। डबल इसको अच्छे तरीके से करना है। डबल करने के बाद इसको हमें 4 फोल्ड करनी होती है। तो यहाँ हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब क्या करना है, ये बेल्ट लेना है बिना इंची टेप के। आप नाप सकते हैं ये बेल्ट। अगर आपको ज्वाइंट लगाना है तो इसमें दोनों साइड ज्वाइंट लगा लीजिएगा, उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा। अगर इसी साइज का रखना है तो ज्वाइंट नहीं लगाना है। अगर कमर आपकी कम है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हमें नहीं ज्वाइंट लगाना है, मुझे इसी तरह कटिंग करना है, तो इसको करते हैं पहले डबल, उसके बाद 4 फोल्ड, उसके बाद 8 फोल्ड। तो ये हो गई 8 फोल्ड। अब देखिए कटिंग कैसे करेंगे। तो 8 फोल्ड इसको यहाँ पे रखेंगे, इधर से जितना सिलाई लगेगी उतना एक्स्ट्रा लेंगे, फिर इधर से, तो इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो इधर ये वाला अब इधर नापेंगे, अब इधर साइड का उसी साइड से नापना है। तो 1/2 इंच इधर भी एक्स्ट्रा और इधर, और 1/2 इंच इधर। अब इससे इसको मिलाएंगे। तो देखिए बिना किसी झंझट का एक साथ आप दो पेटीकोट की कटिंग कर सकते हो। तो पहले टेप की हेल्प से इसको मिला देते हैं, ये देखिए। तो अब इसको कटिंग करेंगे, तो इसको बीचों बीच, अगर आप बिगनर है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कटिंग। तो इसको हम ऐसे डाल दिए, अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो एक साथ आप 4-5 पेटीकोट भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है अलग अलग कटिंग करने की।
हमने इससे पहले ब्लाउज भी एक साथ दो तीन कटिंग बताया हुआ है। तो देखिए ये हो गई बीच वाली सेंटर, और इससे अब हमें अलग अलग करना होगा, और इससे भी ये पैक वाली है तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए तो इसमें दो ऑरेंज और दो पिंक आ गई। अब इसको अलग अलग करेंगे। ये देखिए फिर इसको भी अलग अलग करेंगे। अब इसको इधर ज्वाइन करें तो फ्रेंड्स स्टिचिंग की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ फिर इसको ऐसे ज्वाइंट होगी इस तरीके से, फिर इधर ये ज्वाइंट होगी, तो इस तरीके से ये कली ज्वाइंट होगी, और यहाँ ऊपर बेल्ट लगेगा तो दोनों का बेल्ट इसी में है। ये देखिए दोनों बेल्ट इसी में है। ज्यादा होगा हम प्लेट्स लगा लेंगे, अगर कमर में ज्वाइंट करना है तो प्लेट्स आप नहीं लगाएंगे। ये हो गई दोनों की फीता। ये देखिए इस तरीके से अब ज्वाइंट कैसे करना है, तो फ्रेंड्स ये भी मेथड मैं बता देती हूँ कि ज्वाइंट हमें कैसे करना है। तो देखिए ये उड़ेब है तो हमें इसको उड़ेब से सीधा को मिलाना है, तो ये इससे इसको मिलाएंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि हम पेटीकोट की सिलाई कैसे करते हैं। देखिए तो इसको उड़ेब, ये उड़ेब है तो हम उड़ेब से उड़ूब को कभी नहीं मिलाते, हम सीधा से मिलाते हैं। तो देखिए ये जिधर स्ट्रेचबल नहीं है तो ये स्ट्रेचबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ये उड़ेब रहेगी और ये सीधा रहेगी, और फिर इधर देख लेंगे तो इधर ये उड़ेब हो गई और ये सीधा हो गई। ये तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हम एक साथ दो पेटीकोट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये मैं बिगनर्स के लिए बताई हूँ, जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है अलग अलग कटिंग करते हैं, जितना पेटीकोट रहता है 10 बार आपको कटिंग करना पड़ता है। तो आप अगर एक साइज की कटिंग करते हैं, अभी फेस्टिवल चल रहा है तो एक साइज के ही पेटीकोट ज़्यादा आते हैं, तो वो सब साइज अलग अलग कर लीजिएगा। अगर एक साइज के है तो फिर अलग कर लीजिएगा, फिर उस जिस जिस साइज का अलग अलग कटिंग करना है वो सबको इकट्ठा करके तब एक साथ आप इस तरीके से इजी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारी ब्लाउज की, अस्तर ब्लाउज की एक एक साथ रखकर दो की हम कटिंग कैसे करते हैं आसानी से हमने बताया हुआ है। तो इससे इसको मिला देंगे, और ये हमने जो डोरी कट किया है, अगर आपको बेल्ट में ज्वाइंट करना है तो इस डोरी से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो बिना सब्सक्राइब के भी नहीं जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।